Hey bros, I just hope you are doing great. So bros, आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्लच. बेसिकली ये है कि क्लच को तुम कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, क्लच प्लेट जो है, बाय द प्रॉपर यूज़ ऑफ क्लच. डे टू डे लाइफ में हम सब यही करते हैं, मैं भी करता हूँ. कभी कभी अगर हम ध्यान में रखें तो वी कैन फिक्स इट, और ग्रेजुअली हम प्रैक्टिस करते रहे. एक बार प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो जाएगी और हैबिट गुड हैबिट बन जाएगी. ये हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, जो क्लच यूसेज कैसे करें. बहुत बार हमने देखा होगा ट्रैफिक में हम सब क्या करते हैं, क्लच दबा के चलाते हैं, हाफ क्लच. ठीक है, दो तीन चीज़ों में बात करूंगा जो हम क्लच का मिसयूज करते हैं, हम सभी करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मैंने भी यही गलतियाँ की है, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम इट और कैसे वो करें. तो क्लच प्लेट जल्दी से ख़राब ना हो, क्लच प्लेट जल्दी से मतलब जल्दी डैमेज ना हो और लंबे टाइम के लिए उसको मेंटेन करें, तो सबसे पहले है टाइमली इंजन ऑयल चेंज, विच इज़ बेसिक. बट हम आज उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लच लीवर यूसेज. ठीक है, पहला तो है लीवर को ऐसे एडजस्ट करो नीचे से या फिर वो लीवर के साइड से, सो दैट क्लच फ्री रहे. ठीक है, हल्का सा भी इंगेज नहीं रहना चाहिए, और क्लच दबा के चलाना इज़ द नेक्स्ट थिंग. बहुत लोगों का आदत होता है क्लच पे हाथ रखना, क्लच दबा के चलाना एक, या फिर भीड़ भाड़ रास्ते में फर्स्ट गियर सेकंड गियर जहाँ तुम काफ़ी स्लो जा रहे हो, 8-10 के स्पीड में, 15 के स्पीड में तुम क्लच दबा के चलाते हो, गौर करना. ठीक है, तुम क्या तुम्हारे आजू बाजू सब भी चलाते हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है. तुम एक बार गियर लगा दो और स्लो चलाने की प्रैक्टिस करो विदाउट द यूज़ ऑफ हाफ क्लच. हाफ क्लच जो टर्म है, कीपिंग द क्लच एंगेज्ड, आधा क्लच ऐसे दबा के, सो दैट, तो उससे ना क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट का जो है वेयर एंड टीयर बहुत जल्दी होता है, और वो होने के कारण तुम्हारा माइलेज घटेगा डेफिनेटली. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि R15 का हमारा माइलेज 25-30 कैसे दे रहा है. मैं बोला यार ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था. फिर बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि हाँ, पहला फैक्टर ये है कि और ब्रेक इन पीरियड, एंड सेकेंड ये है कि तुम्हारा क्लच प्लेट गया है, तो पिकअप भी कम होता है, माइलेज भी वो होगा, और देन इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो वो कैसे करना है मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, तो देख लो एग्जांपल. क्या रिकॉर्ड कर रहा है, बजाए बजाए जा रहा है लोगों के पीछे, लोग चल रहे हैं उनके पीछे बजाए जा रहा है. ठीक है, जरूरत नहीं है क्लच दबा दबा के चलाने में, कोई वो नहीं है, रादर वो और खराब रहता है. अभी देख लो आगे इतनी भीड़ है, मैं दिखाऊंगा कि उस भीड़ में विदाउट क्लच कैसे यूज़, मतलब ऐसे हाफ क्लच दबा के बिल्कुल चलाने की ज़रूरत नहीं है. देखो मैं क्लच छू भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दिया क्लच. अब ऐसे सिचुएशन में तो चलाओगे ही, बट अभी देखो मैंने टोटली क्लच छोड़ दिया है. यहाँ पे तुम देख सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग क्लच. मैक्सिमम तुम क्लच को छोड़ने का ट्राई करो, ये दिमाग में भर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. देखो मैक्सिमम पीपल आर प्रेसिंग द क्लच एंड राइडिंग, मैं बिना क्लच के चला रहा हूँ. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, सो दैट वी डोंट पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन द क्लच प्लेट एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय द प्रेशर प्लेट एज वेल. जस्ट ट्राई, कीप ट्राइंग, हो जाएगा. फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद नहीं होगी अंटिल एंड अनलेस तुम पूरा रोक लोगे. देखो मैं अभी तक क्लच यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्पीड है 9. और तुमको भीड़ का अंदाज़ा हो जाएगा आगे देख के कि कितना भीड़ है. तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, वैसे ड्राइव करो, ड्राइव कॉमन सेंस भी चाहिए ड्राइविंग में. ओके, अभी देखो स्पीड है 9.6, मैं अभी भी क्लच नहीं पकड़ा हूँ. ठीक है, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ये करने का. मैं लेसर द यूज ऑफ क्लच द बेटर इट इज. ओके, सो तुम्हें समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट ये है, जब कोई रुकने वाला होता है, लेट्स से तुम्हारा घर यहाँ से 50 मीटर है या थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड है तुम्हारे घर से पहले, या कहीं पे भी रुकना होता है, लोग क्या करते हैं क्लच को दबा के खींच के रख देते हैं और वहाँ जाके सीधा रुकते हैं, और इन द मीनवाइल गियर खड़खड़ चेंज करते हैं. यार तुम वो 50 मीटर में कितना पेट्रोल बचा लोगे बोलो, मतलब तुम जितना पेट्रोल बचाओगे ना 5 साल में भी, लेकिन वो जो डैमेज कर रहा है 5 साल में, तुमने जो थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल बचाया 1-2 रुपए का, ठीक है,
हर दिन 365 दिन में 1 रुपये का पेट्रोल बचा है, 365 × 5 वॉट एवर 1500-1800। तो क्या तुम्हें लगता है वो 1800-1900 रुपये जो तुमने बचाया है तुम्हारे इंजन से ज़्यादा वो है? और ऐसे 1800 रुपये तुमने एक बार में नहीं बचा लिया, तुमने जो डैमेज किया ना इंजन को बहुत ख़राब है उस चक्कर में। तो भाई क्यों ये सब क्यों करना? जहाँ तुम्हारा घर आया चुपचाप से रुको, या फिर रेव मैच करके डाउन शिफ्ट करो। रेव मैच क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। जब तुम डाउन शिफ्ट करते हो ठीक है, और तुम क्वाइट स्पीड में हो, 30-40 के स्पीड में हो, और तुम्हें डाउन शिफ्ट करना है, वहाँ से थर्ड या फोर्थ गियर से नीचे आना है, फोर्थ से थर्ड आना है, थर्ड से सेकेंड आना है, तो उसे कहते हैं रेव मैचिंग। तुम्हें ना ऐसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तुम एक्सेलरेट करते करते गियर शिफ्ट करने का ट्राई करना, देखना एक जगह रेव मैच होगा और डाउन होगा। तुम डायरेक्टली, बहुत लोग क्या करते हैं स्पीड में आते हैं सीधा क्लच दबाते हैं धड़ 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 गियर मारते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम अगर वैसे करोगे तो तुम्हारा गियर बॉक्स इफेक्ट होगा, इंजन पे इफेक्ट होगा, मतलब बहुत कुछ इफेक्ट होगा। तो तुम बेसिकली समझ रहे हो कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है, गियर शिफ्ट डाउन शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली तुम्हें दबाना वो रिव मैच करना पड़ेगा। इधर थोड़ा ट्रक्स वगैरह सब वैसे ही करते हैं ठीक है, जो पुराने ट्रक्स होते थे या बसेस होते थे उन लोग रिव मैच करा के डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करते थे। जस्ट बिकॉज हमारा गाड़ी इतना वो रिफाइंड है, अभी अप शिफ्ट में रिव मैच की ज़रूरत नहीं है, और बींग अ स्मॉलर इंजन उसमें कोई लोड नहीं है। तो डाउन शिफ्ट के वक्त ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत लोग ऐसे स्पीड में आते हैं, अगर उनको रुकना होता है तो क्लच दबाते हैं धड़ धड़ करके गियर मार डाउन शिफ्ट करते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाड़ी के लिए। तुम कभी कभी सुने होगे एक वियर्ड सा आवाज़ आता है, जैसे गियर बॉक्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ टूट रहा है, तो ऐसे आवाज़ आता है, विच इज़ नॉट गुड। सो रेव मैच करो और डाउन शिफ्ट करो, या ज़रूरत नहीं आराम से रोको और फिर न्यूट्रल करो। सो रेव मैच का भी तुम्हें पता लग गया है। नाउ द पॉइंट इज, तुम जहाँ पे रुकना होता है रुको और आराम से न्यूट्रल करो। डोंट यूज़ दैट टेक्निक कि तुम क्लच को इंगेज करके, यार तुम फर्स्ट थिंग तो तुम उसमें कोई पेट्रोल बचा नहीं रहे हो, इंजन को डैमेज कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो दिस इज़ ऑल आई हैड टू से अबाउट दी क्लच यूसेज एंड सेविंग योर क्लच प्लेट हैविंग अ लॉन्गर लाइफ। मेरा अभी तक 85,000 किलोमीटर्स हो गया और मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि मुझे क्लच प्लेट चेंज करना चाहिए। मैंने विकास रच्छा मल्ला के एक वीडियो में देखा था, अ गाय हैड अ ड्यूक 200 एंड ही वॉज ओवर 1.5 लाख किलोमीटर एंड ही स्टिल डिड नॉट चेंज द क्लच प्लेट्स, बिकॉज उसने सही यूज़ किया होगा क्लच का, विच हेल्प्ड हिम सेव द क्लच प्लेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो तुम भी यही कर सकते हो। बहुत लोग बहुत जल्दी क्लच प्लेट को डैमेज कर देते हैं। जस्ट दैट याद रखना कि ट्रैफिक में रेगुलरली क्लच दबा दबा के तुम प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। हम सब यही करते हैं, हम सबकी आदत ख़राब है कि हम क्लच हाफ क्लच में चलाते हैं, दैट इज़ वॉट वी हैव लर्न, स्लो चलाते जब कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस दिस एंड चेक। डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल हियर। और सो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मैंने अपने दोस्त से भी पूछा और ट्राई किया हमने, जब तुम्हारी गाड़ी चल रही है एनी फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी या एनी अदर गाड़ी, आई विल टॉक अबाउट फ्यूल इंजेक्शन बिकॉज R15 इज़ अ फ्यूल इंजेक्शन। और जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो हम एनालाइज कर रहे थे कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती थी। सो गाड़ी चल रही है एंड सडनली यू फील जैसे कार्बोरेटेड गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होती है, वो सडनली तो स्टॉल करता है या बंद हो जाता है, वो क्या क्या रीज़न से हो सकता है? तो पहले हमने सोचा जैसे फ्यूल पंप का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर तुम्हारा फ्यूल पंप ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन मतलब टैंक में कोई कचरा नहीं है जो फ्यूल पंप को जैम करे या कुछ भी, सो क्या हो सकता है? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। एक हो गया RR यूनिट, ठीक है, RR यूनिट ख़राब होने से फ्यूल इंजेक्शन सही काम नहीं करता, जिसके वजह से वो स्टॉलिंग होती है, ठीक है, जैसे पेट्रोल ख़त्म होता था कार्बोरेटेड गाड़ी में और ऐसे लगता था रुकने वाला है, एग्जैक्टली वैसे ही। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, और मैं अगले वीडियो में वो बताने वाला हूँ। टिल देन होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।